जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो हमारे होने वाली एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, जो एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट आने में क्यों डिले हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दूंगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ मैं, क्या सच में एसएससी एमटीएस में चाय वगैरह देने का काम करना पड़ता है वो है कि नहीं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दूंगा। सैलरी स्लिप मैं आपको लास्ट में सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, दो तीन एम्प्लॉयज का सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा दूंगा। और प्रमोशन किस बेसिस पे होती है एमटीएस में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपका ट्विटर कैंपेन के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगर रिजल्ट्स अगस्त के एंड तक रिजल्ट्स नहीं आते तो उसके बाद हमें क्या करना है उसके रिगार्डिंग में थोड़ा आपको अपडेट बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है। तो ऐसा खबर आ रहा है कि सुनने में जो रोजगार मेला होने वाला है आपका अगस्त अगस्त का एंड में, अगस्त 30 आई थिंक, उसमें जो रोजगार मेला होगा उसमें एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया था और एसएससी पुराना एसएससी पीओ, बहुत सारा एसएससी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो रोजगार मेले में उनको भी शामिल करने का ऐसा खबर सुनने को आया था। तो उस चीज के रिगार्डिंग आपका रिजल्ट आने में डिले हो सकता है। और दूसरा ये भी चांसेस है कि देखिए एसएससी का मतलब इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब एक ही बार में सेशन 1 सेशन 2 एग्जाम किया है और उन लोग को दो तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करना है। एक तो एसएससी एमटीएस वालों का रिजल्ट डिक्लेयर करना है और एसएससी को हवलदार का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो एमटीएस का तो वो होगा कि रिजल्ट एक ही बार आ गया, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसी के बेसिस में सिलेक्शन होगा, लेकिन हवलदार का वैसा नहीं होने वाला है। हवलदार का रिजल्ट आने के बाद उनको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा, फिजिकल के बाद उन लोग का एक एंड एंड रिजल्ट मतलब फाइनल कट ऑफ आएगा, जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसका। तो वो दो चीज को मतलब एसएससी को एक तो क्लेरिफाई कर देना चाहिए कि क्या कौन से बेसिस में होने वाला है, क्योंकि अगर एमटीएस का रिजल्ट आता है पहले तो फिर हवलदार के लिए वेट करना पड़ेगा, और काफी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं दोनों में अप्लाई किए हुए भी हो सकते हैं, तो या तो उनको एक ओवरऑल रिजल्ट निकालना पड़ेगा या फिर एक अलग अलग रिजल्ट दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो उस बेसिस में एसएससी को एक क्लेरिफिकेशन देने से सही है, कुछ दिन में क्लेरिफिकेशन आ जाएगा मेरे हिसाब से जितना हुआ है। क्योंकि देखिए सबका रिजल्ट आ चुका है, एक तो एसएससी सीपीओ का भी रिजल्ट आ गया और जीडी का भी रिजल्ट आ गया, और यहाँ तक कि उनका भी रिजल्ट आ गया जो एसएससी के एमटीएस के बाद एग्जाम हुए थे, उनका भी रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। तो ज्यादा से मतलब मैं आपको अगस्त एंड तक तो आपको मतलब फाइनल है, कि मैंने पिछले भी कहा था कि अगस्त एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी चांसेस है। अगर अगस्त एंड तक रिजल्ट नहीं आते हैं तो उसके बाद हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा अभी क्या कैसा है। तो आप अगस्त एंड तक वेट कीजिए। तो थोड़ा सा मैं उससे पहले आपको सैलरी स्लिप प्रमोशन वगैरह के रिगार्डिंग अपडेट दूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट देता हूँ। जो कि वैकेंसीज एमटीएस के पदों पे 11,994 थी और हवलदार के पोस्ट में 529 थे। तो मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए बेसिक पे आपका 18,000 होता है, उसमें डीए आपका जो कि डियरेंस अलाउंस है वो आपका 5,580, जो कि ये चेंज होता रहता है, 31% ऑफ बेसिक पे, ये थोड़ा चेंजेस रहता है। एचआरए 5,400, 24% ऑफ बेसिक पे। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है आपको, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और इनहैंड सैलरी मतलब ग्रोथ सैलरी आपका लास्ट में जाके 30,000, 30-31,000 के आसपास आपका सैलरी बनता है। तो ये सैलरी देखिए कैसे बढ़ता है मैं आपको बता दूँ, ईयरली ईयरली बढ़ता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 18,000 का बेस पे रहेगा, उसके बाद आपका 18,500 ऐसे करके, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक आपका ऐसे बढ़ता रहेगा। तो बेसिक बेस पे के बाद आपका इन हैंड जो कि 30,000 है, वैसे हर उसमें आपका वो भी फाइनल इन हैंड सैलरी भी चेंज होता रहेगा। अब ये सैलरी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में मैटर करते हैं, जैसे Tier 1 X सिटी, Tier 2 Y सिटी और Tier 3 J सिटी में। जैसे एक्स सिटीज आप उनको मान लीजिए, जो दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं उसको एक्स सिटीज कहा जाता है, और जो वाई सिटी जो नॉर्मल सिटी रहते हैं उसको कहा जाता है, और जेड सिटी जो मतलब गांव से थोड़े ही वो सब गांव से थोड़े ही ऊपर जो होते हैं उनको जेड सिटी वगैरह वो सब माना जाता है। मतलब तो आप उसमें सबका अलग बेसिक पे तो सबका सेम रहेगा, एचआरए अलग अलग रहेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई जैसे जगह में आपका वैसे ही भाड़ा ज्यादा होता है, किराया आपका ज्यादा रहता है, इसलिए आपको एचआरए अलग अलग देखने को मिलेंगे। दिल्ली मुंबई वगैरह में आपको 4,320 और ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस भी अलग अलग रहता है, उसे लास्ट में जाके आपका टोटल इनहैंड सैलरी आपको एक्स सिटीज में 20,000 के करीब मिल रहा है।
YCT में 18,000, तो थोड़ा सा ही चेंजेस है, ज्यादा नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये दो दो सैलरी स्लिप है मेरे पास, एक MTS का सैलरी स्लिप है और एक हवलदार का सैलरी स्लिप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पुणे के जोन के एम्प्लॉय है, उनका डेजिग्नेशन MTS आप देख सकते हैं। और ये कब पेमेंट है, 2022 के जनवरी का पेमेंट है आपको। आप देख सकते हैं इसमें पे लेवल 1 दिखाया गया, जो कि 18,000 से 56,900 तक है। तो बेसिक पे इनका 18,000 है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आपको ये देखिए 18,000, DNS अलाउंस आपका 5,500 होती है, HRA आपका 5,400, ऐसा करके लास्ट में इनको टोटल इनका सैलरी 30,749 मिला हुआ है, आप देख सकते हो। ये टैक्स वैक्स करते सब कुछ करके। और नेक्स्ट आपको मैं हवलदार का दिखाता हूँ, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ। जैसे पुराना में आपको 30,700 है, तो इसमें 32,976 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। बेसिक पे में थोड़ा सा डिफरेंस है, 19,700 का डिफरेंस अलाउंस है, सब करके आप एक बार स्क्रीन में अपने से भी देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको प्रमोशन के रिगार्डिंग थोड़ा अपडेट दे देता हूँ, प्रमोशन और प्रमोशन में कैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आपका, जिसमें आपका फर्स्ट प्रमोशन आपका 3 साल की सर्विस के बाद होगा और उसमें इंक्रीमेंट 1900 का रहेगा आपका। सेकेंड प्रमोशन आपका फिर से दूसरे 3 साल की सर्विस में, थर्ड प्रमोशन आपका 5 साल की सर्विस में रहेगा, उसके बाद फाइनल प्रमोशन होगा जो कि आपका इंक्रीमेंट 5,400 प्लस होता रहेगा। आप स्क्रीन में एक बार अपने से भी देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा MTS के जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग बता देता हूँ। तो MTS के जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि दोस्तों, वो डिपेंड करता है सारे, मतलब आपको कौन से जगह पे पोस्टिंग होगी उसके रिगार्डिंग, उसके थ्रू डिपेंड रहता है। जैसे और अगर आपका सीनियर, और सीनियर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, अगर आपके सीनियर अच्छा है, सपोर्टिव सीनियर मिलते हैं आपको, तो आपको अच्छा खासा ही काम मिलेगा। डेस्कटॉप वाला काम मिल सकता है, फाइल वगैरह इधर इधर का उधर करने का काम मिल सकता है, फाइल रिगार्डिंग जो है डिस्पैच ऑफिस में काम मिल सकता है। उसमें आपको ज्यादातर ऑफिस रिलेटेड ही काम रहेगा, जो नॉर्मल है वही रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा सीनियर मतलब अच्छे नहीं है, तो मतलब सर ये MTS का पूरा सीनियर के बेसिस में, मतलब सीनियर के रिगार्डिंग रहेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी जगह में आपको ऐसा, मतलब जो ट्रूथ है मैं आपको वही बता रहा हूँ, कि कहीं कहीं चाय भी, मतलब MTS चाय वगैरह भी बनाते हैं, वो सब मतलब नॉर्मल जो सीनियर का मतलब जो असिस्ट करना है वो सब भी काम करने को मिल सकता है। ऐसा बोल के ऐसा नहीं कि हर किसी को ऐसा ही काम करना पड़े बोल के, ये वो नहीं है। ऐसा डिपेंड करता है आपका सेंटर कहाँ पे रहता है, आपके सीनियर कैसे रहते हैं, आपका क्या पोस्टिंग, मतलब कौन सा पोस्ट में वैकेंसी है वगैरह, वो सब हर चीज मतलब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप बता नहीं सकते कि आपको कहाँ पे क्या पोस्ट मिल, कैसा आपको जॉब मिलने वाला है। ज्यादातर में ऐसा केसेस नहीं होता है, ये सब चाय वगैरह बनाने का या फिर कुछ दूसरा वो सब काम करने का, वो सब मतलब ये बहुत ही रेयर चांसेस है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ऐसा खबर सुनने को मिलता है, तो दिक्कत यही है। तो लास्ट में मैं आपको ट्विटर कैंपेन के रिगार्डिंग फिर से बता रहा हूँ, कि हमने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था कि अगर रिजल्ट 31 अगस्त तक नहीं डिक्लेयर होते हैं, तब हम एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। 1 तारीख को ही मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम सारे SSC के जोन्स को हम लोग टैग करेंगे, सबको टैग करके एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। और ट्विटर को ट्रेंड में, मतलब हमारा जो ट्विटर कैंपेन है उसको ट्रेंड में लाने की कोशिश करेंगे, और SSC को रिजल्ट डिक्लेयर करने पर मजबूर करेंगे। तो वेट करते हैं अगस्त 31 तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि अगस्त 31 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि सब हर किसी का डिक्लेयर हो चुका है, सारे मतलब SSC का GD पकड़ लीजिए, वो CPO पकड़ लीजिए, SSC CHSL का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो बचा अभी MTS ही है। MTS को काफी पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कुछ फैक्टर बताया, रोजगार मेला भी हो सकता है, और ये आपका जो SSC और MTS में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है, वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके हवलदार में एक एक्स्ट्रा मेडिकल वगैरह भी चेक, मतलब फिजिकल भी होता है, तो उस चीज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है, उसके कारण भी डिले हो सकता है। लेकिन अगस्त एंड तक मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि पूरी पूरी चांसेस है रिजल्ट आने के। और अगर अगस्त एंड तक नहीं आते हैं, तो हम सेप्टेम्बर 1 तारीख को ही आ जाएंगे वीडियो लेके, कि कैसे ट्विटर कैंपेन किया जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो आप अभी वेट कीजिए, कुछ दिनों का ही है, ज्यादा दिन वेट करने का जरूरत नहीं है। कुछ दिन वेट करने के बाद सब आपके आंखों के सामने रहेगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले ऐसे हर एक नए जानकारी के लिए, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।